अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सोबान एंड यू आर वाचिंग MNP स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैथ को, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स जंप टू द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए रूल होता है कि जो भी दो मैट्रिसेस हैं जिनको ऐड किया जा रहा है, या दो से ज़्यादा, उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो अब इन्होंने हमें कोई मैट्रिसेस दिए हुए और हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में कन्फर्मेबल हैं, कि इन दोनों का या इनसे ज़्यादा का इनको ऐड कर सकते हैं। तो आइए मैट्रिसेस देखते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स ए, 2x2 का मैट्रिक्स है, 2, 1, -1, 3 इसकी एंट्रीज हैं। तो अब हम देखते हैं कि 2x2 का और कौन सा मैट्रिक्स है जिसके साथ इसको हम ऐड कर सकते हैं, तो फिर कन्फर्मेबल हो जाएगा फॉर एडिशन। तो बी जो है वो हमारे पास नहीं है, वो 2x1 का मैट्रिक्स है। सी जो है वो भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, ई जो है वो उसके साथ एडिशन हो सकती है, तो इसलिए ए जो है हम कह सकते हैं कि ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर जो है वो है हमारे पास 2x1। तो अब 2x1 का और कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स डी है हमारे पास 2x1 का, तो इसलिए बी और डी जो है हम उनको आपस में ऐड कर सकते हैं, तो बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इसी तरह पीछे रह जाते हैं सी एंड एफ, और सी एंड एफ का ऑर्डर सेम है हमारे पास 3x2, तो इसलिए सी एंड एफ आर आल्सो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हम पहले ही नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ चुके हैं, एडिटिव इनवर्स भी उसी से रिलेटेड है, उसे बस नाम समझे चेंज कर दिया है वही कंसेप्ट। तो एडिटिव इनवर्स इसे कहते हैं कि मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है जैसे, तो उसके अगर हम साइंस जो है वो चेंज कर दें तो उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक हो गया, मतलब कि एक मैट्रिक्स है ए, तो उसका नेगेटिव ऑफ ए जैसे हमने पढ़ा था सेम, उसको हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। तो जो उसका नेगेटिव ऑफ ए है उसके तमाम एंट्रीज के साइंस जो है वो चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए बन जाता है, इसलिए हम उसको नेगेटिव ऑफ ए भी कहते हैं और एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, मैट्रिक्स ए है, 2, 4, -2, 1, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए क्या होगा, साइंस चेंज कर देंगे, -2, -4, -2 था ए में तो उसको हम कर देंगे 2, और ए में जो लास्ट एंट्री थी वो थी 1, तो कर देंगे -1। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एफ है मैट्रिक्स, स्केयर रूट ऑफ 3, 1, -1, स्केयर रूट ऑफ 2। अब ये देखने में बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, बेशक इसके अंदर रेडिकल साइन आ रहा है, लेकिन बस हमने साइन चेंज करना है, तो इसलिए नेगेटिव ऑफ एफ क्या होगा, -√3 -1 एफ में था तो वो 1 हो जाएगा, और √2 था एफ में लास्ट एंट्री, तो -√2 जो है माइनस एडिटिव इनवर्स हो जाएगा एफ का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल टू -1, 2, 2, 1, बी इज़ इक्वल टू 1, -1, सी इज़ इक्वल टू 1, -1, 2 एंड डी इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, -1, 0, 2। तो हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड करना है हमने। पार्ट ए देखते हैं, ए प्लस 1, 1, 1, 1, मतलब 2x2 का मैट्रिक्स दिया इन्होंने, और इसके साथ इन्होंने कहा कि हमने ए मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो अब हमने एडिशन और मैट्रिक्स के लिए कंडीशन पढ़ी थी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है -1, 2, 2, 1, तो ए मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, 2x2, और जो हमें पार्ट 1 में मैट्रिक्स दिया वो है 1, 1, 1, 1, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2x2, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसलिए मैट्रिक्स ए हमने लिखा प्लस
जो गिवन मैट्रिक्स था वो लिखा, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। फर्स्ट एंट्री आ जाएगी हमारे पास -1 + 1, सेकेंड एंट्री आ जाएगी 2 + 1, थर्ड एंट्री आ जाएगी 2 + 1 एंड फोर्थ एंट्री आ जाएगी 1 + 1। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास बन जाता है 0। -1 + 1 कट आउट हो जाते हैं तो 0, 2 + 1 डैट इज इक्वल टू 3, 2 + 1 अगेन डैट इज इक्वल टू 3 एंड 1 + 1 डैट इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास आंसर आ गया 0, 3, 3, 2। एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 3, उसको देखते हैं। C+1/3 का मैट्रिक्स है -2, 1, 3। अब देखते हैं मैट्रिक्स सी जो है सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को। मैट्रिक्स सी का ऑर्डर है 1, -1, 2, तो इसका ऑर्डर बन जाता है 1/3। तो हमें गिवन मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 1/3 गिवन है, इसलिए इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये आ गया हमारे पास सी मैट्रिक्स 1, -1, 2, और नेक्स्ट वाला आ गया हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स था वो -2, 1, 3। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है फर्स्ट एंट्री 1, -2, क्योंकि -2 है और बीच में साइन कौन सा प्लस, तो प्लस माइनस डैट इज इक्वल टू माइनस, तो इसलिए 1, -2। आगे सेकेंड एंट्री हमारे पास -1, तो आगे सेकेंड मैट्रिक्स में हमारे पास है 1, तो -1 एंड +1। फिर थर्ड एंट्री हमारे पास 2 और सेकेंड मैट्रिक्स में हमारे पास थर्ड एंट्री है 3, तो 2 + 3। तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से बन जाता है कि 1 - 2 डैट इज इक्वल टू -1, -1 + 1 डैट इज इक्वल टू 0, और 2 + 3 डैट इज इक्वल टू 5। एक और पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 6, इसमें क्या कह रहे हैं, हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी को किससे, -1 से। ठीक हो गया, तो देखते हैं किस तरह होगा। -1 हमने लिख लिया, साथ हमने उसके मैट्रिक्स बी लिख लिया। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, 1 एंड -1। तो अब जो -1 हमें गिवन है उसको हमने ऑल एंट्रीज ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, बी की जितनी भी एंट्रीज हैं उन तमाम से हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, -1 × 1 और सेकेंड एंट्री में -1 × -1। तो फर्स्ट वाली एंट्री को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -1 एंड 1 + -, दैट इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड एंट्री में 1 × 1 और -, तो डैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है -1 एंड 1। एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, पार्ट नंबर 8, 3D, यानी कि हमने 3 जो है उसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स डी से। मैट्रिक्स डी हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स डी हमारे पास 2/3 का मैट्रिक्स है, 1, 2, 3, -1, 0, 2। अब हमने 3 को इन तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बन जाता है, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × -1, 3 × 0, 3 × 2। तो 3 × 1 डैट इज़ इक्वल टू 3। तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री आ जाती है मैट्रिक्स की 3। देन हमारे पास आ जाता है 3 × 2 डैट इज़ इक्वल टू 6। थर्ड आ जाता है 3 × 3 डैट इज़ इक्वल टू 9। फिर सेकेंड रो में हमारे पास फर्स्ट एंट्री आ जाती है -1, तो 3 × -1 डैट इज़ इक्वल टू -3। सेकेंड आ जाता है हमारे पास 3 × 0 डैट इज़ इक्वल टू 0। थर्ड आ जाता है 3 × 2 डैट इज़ इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारे पास, परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द मैट्रिसेस। अब हमें इन्होंने मैट्रिसेस दिए होंगे, हमने उनको सिंप्लीफाई करना है लोएस्ट मैट्रिसेस तक। तो फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है जी, 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, लेकिन जो 2 मैट्रिसेस हैं उनके इर्द गिर्द देखें ब्रैकेट्स हैं। एक तो मैट्रिसेस की स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, उसके अलावा स्मॉल ब्रैकेट्स भी हैं। तो इसका मतलब है कि हमें इसमें बोर्डमैस रूल अप्लाई करना है, मतलब कि ब्रैकेट्स वाले जो 2 मैट्रिसेस हैं उनको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है उसके साथ सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले 2 मैट्रिसेस को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास। 2 मैट्रिसेस हैं 2/2 के, तो जब हमने उनको ऐड किया तो फर्स्ट एंट्री बनती है 1 + 0, सेकेंड बन जाती है 0 + 2, थर्ड बन जाती है 0 + 3 एंड फोर्थ बन जाती है 1 + 0। साथ में जो थर्ड मैट्रिक्स है वो इसी तरह आ गया। जब हमने और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास बन जाता है 1 + 0 डैट इज इक्वल टू 1, 0 + 2 डैट इज इक्वल टू 2, 0 + 3 डैट इज इक्वल टू 3 एंड 1 + 0 डैट इज इक्वल टू 1। फिर थर्ड जो मैट्रिक्स है वो इसी तरह आ गया। अब हमने जो मैट्रिक्स आया उसको जो थर्ड मैट्रिक्स जो हमारा चला आ रहा है उसके साथ हमने अब ऐड करना है। फर्स्ट एंट्री से ऐड हो जाएगी 1 + 1, सेकेंड एंट्री 2 + 1, थर्ड 3 + 1 एंड फोर 1 + 0। तो जो इसका आंसर बन जाता है वो बन जाता है 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4
एंड 1 प्लस 0 1। एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स है एक कॉलम मैट्रिक रो मैट्रिक्स, इसके एंट्रीज हैं 2 3 1, आगे फिर ब्रैकेट्स के अंदर दो मैट्रिसेस हैं। तो अब ब्रैकेट्स के अंदर हैं ये दो मैट्रिसेस, तो हमने पहले पहले पार्ट में तो पहले थे दो मैट्रिसेस तो हमने उनको सोल्व किया था। अब इसमें लास्ट में दोनों मैट्रिसेस तो हमने पहले इनको सोल्व करना, और फर्स्ट मैट्रिक्स जो है चलता जाएगा जब तक उसका आंसर नहीं आता सेकेंड वाले का। तो देखते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास इसी तरह आ गया 2 3 1, जो सेकंड थर्ड मैट्रिसेस दोनों उनको जब हमने सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आ जाता है 1 प्लस 2 डैट इज़ इक्वल टू 3, 0 प्लस 2 डैट इज़ इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 डैट इज़ इक्वल टू 4। अब हमारे पास इसका आंसर 3 2 4 आ गया। अब हम इसको फर्स्ट मैट्रिक्स से सिंपलीफाई कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 2 प्लस 3 डैट इज़ इक्वल टू 5, 3 प्लस 2 डैट इज़ इक्वल टू 5 एंड 1 प्लस 4 डैट आल्सो इक्वल टू 5। तो हमारे पास आंसर आ गया 5 5 5, 1/3 का एक मैट्रिक्स। फिफ्थ पार्ट आ जाता है हमारे पास, 3/3 के दोनों मैट्रिसेस हैं, हमने उनको ऐड करना है। तो बेशक जितने बड़े मैट्रिसेस भी हो जाएं हमने बस ऐड करना है जैसे पिछले मैट्रिसेस को किया, तो इसलिए ज़रा मुश्किल नहीं है, उसी तरह बहुत आसान है। तो चलें देखते हैं कि किस तरह ऐड होंगे। जो भी एंट्रीज हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से ऐड कर देंगे, हम साइंस चेंज कर देंगे प्लस माइनस के। तो देखते हैं, 1 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट एंट्री, सेकंड आ जाएगी 2 प्लस 0, थर्ड आ जाएगी 3 माइनस 2, फोर्थ आ जाएगी हमारे पास 2 माइनस 2, फिर मिडिल वाली जो है हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस 1, फिर सेकंड रो की जो लास्ट एंट्री है वो आ जाएगी 1 प्लस 0, थर्ड रो में आ जाएगा 3 प्लस 0, 1 प्लस 2 एंड 2 माइनस 1। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी, 1 प्लस 1 को सोल्व किया तो 2 आ गया, 2 प्लस 0 को सोल्व किया तो 2 आ गया, 3 माइनस 2 को सोल्व किया तो 1 आ गया। फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड रो में देखते हैं 2 माइनस 2 को सोल्व किया तो 0 आ गया, 3 माइनस 1 को सोल्व किया तो 2 आ गया एंड लास्ट वाली एंट्री को सोल्व किया 1 प्लस 0 डैट इज़ इक्वल टू 1। तो थर्ड रो में आ जाते हैं 3 प्लस 0 डैट इज़ इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 डैट इज़ इक्वल टू 3 एंड लास्ट 2 माइनस 1 डैट इज़ इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स 1.3 थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज के लेक्चर में इतना ही, मैंने हाफ डिवाइड कर दिया है 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक, यहाँ तक। फिर आगे जो जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वो भी आपको समझ आएंगे। आज को भी उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। जो भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप आसानी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो जो भी चीज़ समझ नहीं आएगी आप उसी में कमेंट में लिख दिएगा, मैं आपका जो भी क्वेरी है उसको एक्सप्लेन करके आपकी क्वेरी दूर कर दूंगा। तो मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो चैनल जो है वो मेरा शेयर कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।